अगर आप भी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच सकते हैं, साथ ही हरिद्वार में कौन कौन सी जगह को आप घूम सकते हैं और यहां पर घूमने में कितना खर्चा आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में ज्येष्ठ शुक्ल की दसवीं तिथि को दशहरा का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही इस दिन यदि कोई गंगा स्नान करता है तो उसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो गंगा नदी अनेक शहरों और अनेक राज्यों से होती हुई जाती है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग हरिद्वार के गंगा स्नान को सबसे प्रमुख मानते हैं। हरिद्वार की हमारी यह यात्रा पुरानी दिल्ली से ट्रेन के द्वारा शुरू हुई। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल हरिद्वार पर, और इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर और यहां के कौन कौन से अच्छे प्लेसेस हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। रेलवे स्टेशन से उतरते ही सबसे पहले हम चल दिए माँ चंडी देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। सौ मीटर ही आए हैं अभी। वो ऑटो वाले कह रहे थे भैया कि नहीं, बहुत ही आसान है, आराम से कर लो। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन से आप ऑटो के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ का यह ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का रहता है। माँ चंडी देवी के दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि आप चाहें तो कुछ ही ऊपर स्थित माता अंजनी देवी के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ चंडी देवी के दरबार की यह यात्रा आप चाहे तो रोप वे के द्वारा भी कर सकते हैं। तो 157 में 2 लोगों की टिकट है। अच्छा, ये अभी चल रहा है या पहले भी ऐसी? अभी हुआ है। पहले कितने की थी? 150 का एक था। अगर दूसरे फ्रीक्वेंसी में करोगे तो 7 रुपए, मतलब 7 रुपए में। हमने भी नीचे आने के लिए रोप वे का उपयोग किया था। मात्र 150 रुपए का यह रोप वे हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा था। माता के दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हम चल दिए हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए। हर की पौड़ी हरिद्वार का गंगा स्नान के लिए सबसे प्रमुख स्थान है। यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग दिखाई देंगे। ज्येष्ठ शुक्ल की दसवीं तिथि को स्नान करना इसलिए और भी अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन माता गंगा यहां अवतरित हुई थी। क्योंकि दशहरे पर यहां पर पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं तो उस समय यहां पर भीड़ देखने लायक होती है। हर की पौड़ी पर आप स्नान के बाद भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन की अच्छी सुविधा उपलब्ध रहती है। हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है माता मनसा देवी का मंदिर, तो यदि आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने जरूर जाएं। यहाँ से रोप वे की आप बुकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी रोप वे और पैदल मार्ग दोनों की सुविधा उपलब्ध रहती है। क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर काफी क्राउड था,
इसलिए हम फिर पैदल मार्ग से ही माता मनसा देवी के दर्शन के लिए चल दिए। यह ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का होता है, जिसे कि आप आसानी से पैदल ही पूरा कर सकते हैं। यहाँ लाइन में कुछ देर खड़े होने के बाद ही हमें माता के दर्शन प्राप्त हो गए। अगर आपको और भी मंदिर देखने हैं, तो फिर आपको जाना होगा परमार्थ मार्ग पर। जी हाँ, वहाँ पर आपको कई सारे मंदिर एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पर आपको भारत माता का मंदिर भी देखने मिल जाएगा। और फिर शाम को आप हरिद्वार की संध्या आरती में शामिल हो जाएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस यात्रा में कुल कितना खर्चा हो सकता है। यदि आप दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का आने जाने का खर्चा लगभग 500 रुपए, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग 100 रुपए, साथ ही खाने का खर्चा लगभग 100 रुपए, और यदि आप रोप वे का उपयोग करते हैं तो लगभग 300 रुपए का रह सकता है। इस तरह कुल आपका खर्चा लगभग 1000 रुपए का होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलें।